गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज राशिद हुसैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। आज स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे कि एक बल्ब को तीन जगह से कैसे कंट्रोल करें और क्या उसकी सर्किट बनेगी, क्या उसमें मटेरियल इस्तेमाल होगा और किस तरीके से जो है हम उसके सर्किट को डिज़ाइन करेंगे, बनाएंगे और किन किन चीज़ों का जो है हमें बातों का ध्यान रखना है। स्टूडेंट, यह सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन हर साल ये पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा जो होगा क्वेश्चन, वन बल्ब कंट्रोल फ्रॉम थ्री प्लेस। ठीक है, एक बल्ब को हम तीन जगह से कैसे कंट्रोल करें। तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल का नाम लिख लेते हैं, मटेरियल यूज्ड। स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एस्टिमेशन, डिजाइनिंग एंड ड्राइंग जो है सब्जेक्ट में, हम लोग सबसे पहले उस मटेरियल का नाम लिखते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट में है या जो हम करने जा रहे हैं। इससे बहुत ही सहूलियत मिल जाती है काम करने के तरीके से और उसके बारे में जानने के लिए। तो चलिए हम लोग जो है मटेरियल का नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चीज़ होगा वो हमारा क्या होगा, लोड। लोड क्या है, यहाँ पे बल्ब है। अब यह बल्ब जो है हमारा कोई भी हो सकता है, CFL भी हो सकता है, इनकैंडिसेंट बल्ब भी हो सकता है, ट्यूबलाइट भी हो सकती है और LED बल्ब भी हो सकता है। अब दूसरा और उसके बाद पॉइंट देखते हैं हम लोग कौन सी चीज़ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 2-way स्विच का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम लोग इंटरमीडिएट स्विच का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है वायर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो मटेरियल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इनकी क्वांटिटी भी हम लोग यहीं लिख लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी में मात्रा में इस्तेमाल करेंगे हम लोग। बल्ब हम लोग एक ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया है वन बल्ब कंट्रोल फ्रॉम थ्री प्लेसेस। 2-way स्विच का इस्तेमाल हम लोग 2 पीस करेंगे, इंटरमीडिएट स्विच का इस्तेमाल हम लोग जो है 1 पीस का करेंगे और वायर जो है हमारा एज रिक्वायर्ड कितना हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है वो जो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने सिंबल में पढ़ चुके हैं कि लोड का सिंबल इस तरीके से बनाते हैं क्रॉस, 2-way स्विच का सिंबल जो है हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर ये कन्फर्म होता है और ये डैश डैश होता है, ये पॉइंट वन और ये टू और ये हमारा जो होता है वो M होता है। बात आती है अब इंटरमीडिएट स्विच के बारे में। तो इंटरमीडिएट स्विच में हमारे 4 पॉइंट होते हैं, ये चारों पॉइंट जो होते हैं वो इस तरीके से क्रॉस में काम करते हैं। एक बार जो है ऐसे काम करेगा, ये केस वन में अगर बात करें जाए, केस वन में, ठीक है, और केस टू की अगर बात की जाए तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। केस टू की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। चलिए, तो इसको पॉइंट के हिसाब से नाम दे देते हैं। मान लिया जाए अगर ये 1 है तो यहाँ भी 1 होगा और ये 2 होगा, तो यहाँ भी अगर ये 1 होगा, इस वक्त ये 1 हो गया यहाँ पर, और अगर ये 2 हो गया तो ये भी 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो एक तौर पे देखा जाए अगर, तो ये आधे पे अगर इस तरह देख लिया जाए इधर पे, तो अगर वर्किंग में बात की जाए तो ये दोनों पॉइंट जो हैं 1 और 2 ये फिक्स्ड पॉइंट है। कैसे हैं, फिक्स्ड पॉइंट, ये चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये क्या है, चेंज पॉइंट है, ये बदल जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे जो है स्विच ऑन ऑफ करने के बाद जो है यहाँ पे 1 की जगह पे 2 हो गया, तो ये कौन सा है, चेंज्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, और ये मूवेबल पॉइंट हो गया। तो वैसे यहाँ भी हो जाएगा ये मूवेबल पॉइंट और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पे जो है पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया। स्टूडेंट, इस चीज़ का जो है आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब हम बात करते हैं कि हम लोग सर्किट कैसे बनाएं। तो सर्किट बनाने के लिए वही हम लोगों ने जो है तीन तरीके के सर्किट्स बनाए जाएंगे। पहले सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सिस्टमेटिक डायग्राम बनाएंगे। दूसरा होगा मल्टी लाइन,
और तीसरा होगा सिंगल लाइन। ये तीनों डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो बनाने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बेस लाइन खींच लेते हैं, ये हमारा गार्डिंग लाइन भी कहा जाता है। इस लाइन से नीचे हम लोग जो है कोई फिगर नहीं लाएंगे, सबको एक शीट में एग्ज़ाम में बनाना होगा। ये ड्राफ्टर की सहायता से ये लाइन खींचेंगे हम लोग, ये इससे नीचे जो हमारा डायग्राम नहीं होना चाहिए। अब बात आती है पॉइंट नंबर वन, सिस्टमेटिक डायग्राम कैसे बनाते हैं। सिस्टमेटिक डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले दो पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे जैसे ये खींचा गया है। अब स्टूडेंट जो है दो पॉइंट यहाँ पे ड्रॉप कराते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे ड्रॉप करा लेते हैं। अब जो है हम लोग यहाँ सबसे पहले टू वे स्विच का इस्तेमाल करेंगे, इधर भी टू वे स्विच इस्तेमाल कर लेते हैं। ये टू वे स्विच बना लिया हम लोगों ने, टू वे स्विच का सिंबल। अब जो है बीच में हम लोग एक इंटरमीडिएट स्विच बनाएंगे, इंटरमीडिएट स्विच के चार पॉइंट होते हैं, अब वो इस तरीके से बना लेंगे। अब इनकी जो है नाम लिख देंगे, ये पॉइंट एम होता है, यहाँ भी एम होगा। अगर ये मान लिया जाए वन है तो ये क्या होगा, ये भी हमारा वन होगा, और ये अगर टू है तो ये भी हमारा टू होगा इस साइड का। जैसा कि हम लोगों ने टू ए का इस्तेमाल कर रहे थे जो है स्टेयर केस वायरिंग में, वैसे यहाँ भी इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम इसको कन्फर्म कर देते हैं तो यहाँ पे डैश डैश में होगा, अल्टरनेट पे हम यहाँ पे जो है चलते हैं, इसको हम सीधा जोड़ देंगे, इंटरमीडिएट स्विच को अब सीधा यहाँ जोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक वही काम जो है अब हम लोग इसको क्रॉस वाले केस नंबर वन के तरीके से करते हैं, तो इसको क्रॉस कर देते हैं क्रॉस। अब इसको सीधा यहाँ जोड़ देंगे और इसको एक सीधा यहाँ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद स्टूडेंट जो है देखेंगे कि यहाँ से लाइन ऐसे आ रही है बिल्कुल ये इधर, तो इधर जो है बल्ब इधर जोड़ देंगे तो यहाँ पे नीचे लगा हुआ लोड जल जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कंफर्म इधर कर देते हैं और यहाँ पे अल्टरनेट ऐसे कर देते हैं बिल्कुल यहाँ पे। ठीक, अब ये पॉइंट देखा जाए अगर स्टूडेंट तो यहाँ पे जैसे देखो वन से यहाँ पर टू की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेंगे, चेंज अपने हिसाब से नाम लिख लेंगे, इसको वन कह देंगे और इसको क्या कह देंगे, टू कह देंगे यहाँ पर। अब तो अब ये बिल्कुल सही चीज़ें बन चुकी हैं, तो ये वन हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पे भी वन लिख सकते हैं इंटरमीडिएट के पास, और यहाँ पे भी वन लिख सकते हैं क्योंकि ये वन से वन जुड़ा है, यहाँ से वन से वन जुड़ा है, यहाँ पे टू से टू जुड़ा है, तो टू इसको लिख दें इंटरमीडिएट पे, और टू यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो है स्विच हमारी कौन सी हो जाएगी, टू वे, और ये वाली स्विच कौन सी हो जाएगी हमारी, इंटरमीडिएट। अगेन यहाँ पे जो स्विच इस्तेमाल कर रही है वो टू वे स्विच का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब बात आती है कि एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें हम लोग लिखेंगे नहीं, एग्ज़ाम में जो हमें बनाना है वो कैसे बनाएगा वो हम फिर से एक बार आप लोगों को बना दिखा देते हैं कि दो पैरेलल लाइन खींचेंगे हम लोग ऐसे बिल्कुल सीध में। ये चीज़ हम लोगों को जो है ध्यान में रखना है, यहाँ पे दो लाइनें खींचेंगे ऐसे बिल्कुल, उसके बाद हम लोग जो है एक टू वे स्विच बनाएंगे यहाँ पर, बीच में हम लोग इंटरमीडिएट स्विच बनाएंगे, इसको यहाँ पे कंफर्म करेंगे। पहले सबसे पहले यहाँ पे डैश ये कंफर्म कर देंगे, ये कंफर्म, यहाँ पे अल्टरनेट ले जाकर ऐसे बिल्कुल इन दोनों को कंफर्म कर देंगे, और इसको कंफर्म करके ऐसे डैश डैश कर देंगे। स्टूडेंट बस आप लोगों को ये बनाना है एग्ज़ाम में। और अगला पॉइंट जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 230 वोल्ट एसी 50 हर्ट्स, ये जो चीज़ हम लोगों को बनाना है वो एग्ज़ाम में करना है। ठीक है, और ये क्या है, प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस वर्क है, यहाँ पे आप लोग सीखेंगे, एग्ज़ाम में हमें सिर्फ ये बनाना है। अब बात आती है कि अब लोड की बात आ गई, तो लोड हम लोग कहाँ लगाएंगे, तो लोड हमारा यहाँ पे लगेगा। अब बात आती है कि मल्टी लाइन डायग्राम बनाने के लिए, तो मल्टी लाइन डायग्राम जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले जो है हम टू वे स्विच बना लेते हैं, एक टू वे स्विच यहाँ बना लिया और एक टू वे स्विच हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, और बीच में जो हम लोग एक इंटरमीडिएट स्विच का पॉइंट बना देंगे। टू वे स्विच में जो है तीन पॉइंट बनाएंगे यहाँ पर, और ये हमारे इंटरमीडिएट स्विच हो जाएंगे ऐसे बिल्कुल। ठीक है,
नाम स्टूडेंट अभी नहीं लिखेंगे, नाम सबसे पहले अगर लिखना है तो हम लोग इसमें लिख लेते हैं, ये मान लिया जाए एम हो गया, ये वन हो जाएगा और ये टू हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे ये एम इसको बस लिख के छोड़ देंगे यहाँ पर, और बीच में एक जो है हम लोग यहाँ पे बल बनाएंगे, यहाँ पे बल बना लेते हैं स्टूडेंट। इसके बाद जो है सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचना है जो कि हमारे न्यूट्रल को कन्फर्म करेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल लिख देंगे, जो कि देखिए ये न्यूट्रल जा रहा है यहाँ पर, जैसे कि ये फेज हो गया और ये न्यूट्रल हो गया, तो ये न्यूट्रल जाकर हमारे बल्ब से एक पॉइंट में जुड़ जाता है, तो न्यूट्रल से एक पॉइंट में जुड़ जाता है। अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो एम में जुड़ता है, किसके एम में जुड़ता है, स्विच जो है टू वे स्विच के जो है एम में जुड़ जाता है। तो एक ये टू वे स्विच का जो है यहाँ पर जोड़ देते हैं एम में, बिल्कुल ऐसे तरीके से, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जोड़ दिया गया, यहाँ तक का तो काम हो गया है। अब चलते हैं हम लोग फेज से, जब फेज से ऊपर आएंगे तो पहले स्विच का जो है टू वे स्विच का जो पहला पॉइंट है वो कहाँ जुड़ा हुआ है, एम में जुड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग टू वे को लेकर चलते हैं और वो कहाँ लेकर आते हैं, वो एम में जोड़ते हैं। देखिए ये तो हम लोगों ने जोड़ दिया, अब बात आती है बीच का पॉइंट जोड़ना। तो ये देखिए यहाँ पे कि वन को कन्फर्म कर दिया गया है, तो वन को यहाँ पे कन्फर्म कर दिया जाए यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे वन से कन्फर्म कर दे रहे हैं। अब ये वन कहाँ से जुड़ रहा है, इंटरमीडिएट के वन पोजीशन पे जुड़ रहा है, तो इंटरमीडिएट का मान लीजिए ये वन हो गया यहाँ पे, यहाँ पे जोड़ दिया जाए ऊपर से ऊपर, यहाँ पे देखिए जोड़ दिया गया है, ये वन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग तुरंत इसका नाम लिख देंगे, ये वन हो गया और ये वन हो गया। अब बात आती है कि इसको कैसे जोड़ें, तो यहाँ पे जोड़ने के लिए जो है इसको इधर ले आएंगे, तो इसका मान लिया जाए ये टू हो गया और ये वन हो गया, तो यहाँ पे वन से वन जोड़ देते हैं। यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे ये देखिए, देखिए यहाँ हम लोगों ने वन से वन जोड़ दिया है, और फिर उसके बाद जो है ये वन को यहाँ पे डैश डैश कर दिया गया है, देखिए यहाँ पे डैश डैश क्लियर कर दिया गया है, ठीक। अब बात आती है कि अब सर्किट नंबर जो है हम लोग इधर डैश डैश से चलेंगे, इधर से डैश डैश चला और ये चल के टू से जोड़ दिए, तो यहाँ पर टू अब जुड़ना है, तो ये कैसे होगा, यहाँ पर जोड़ दिए, देखिए स्टूडेंट देखिए, इसको हम लोगों ने टू से जोड़ दिया यहाँ पे, तो तुरंत इसको हम लोग जो है ऐसे टू कर देंगे यहाँ पे, ठीक। अब इस टू को इस टू से जोड़ना है हमें, यहाँ पे हम लोगों ने इस टू से जोड़ दिया है, तो ये हमारा जो है यहाँ इसको कंफर्म कर देंगे, तो ये हमारा जो है बिल्कुल सर्किट डायग्राम जो है बन के तैयार हो चुका है स्टूडेंट। अब इस चीज़ का जो है हम लोग क्या बनाएंगे, सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लेते हैं मल्टी लाइन डायग्राम पहले, मल्टी लाइन डायग्राम। अब चलिए जो है सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर इसके ऊपर, तो अब सिंगल लाइन डायग्राम बनाना जब हम लोगों को है, तो ये भी बिल्कुल इसी हाइट में बनेगा, तो तीन स्विच बोर्ड बनेंगे हमारे, तीन स्विच बोर्ड हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर, ये तीन स्विच बोर्ड बना लिए हम लोग। अब उसके बाद स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इक्वल लेवल में, और तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। अब जो है हम लोग एक ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच देंगे यहाँ, और बीच वाले पॉइंट से उठाकर यहाँ पे हम लोग बल्ब बना देंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट इस वाले में कितने वायर जा रहे हैं, तीन वायर जा रहे हैं स्टूडेंट, इस वाले वायर में कितने जा रहे हैं, तो ऐसे लाइन खींच के यहाँ पे चार लिख दीजिए, यहाँ पे कितने जा रहे हैं, तीन जा रहे हैं, तो तीन लाइन खींचेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कितने जा रहे हैं, तीन जा रहे हैं, तो ऐसे तीन लाइन इधर खींच देंगे, अगेन यहाँ पे स्टूडेंट थ्री एंड दिस इज टू, और यहाँ पे कितने जाएंगे, दो लाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या बन गया, सिंगल लाइन डायग्राम। स्टूडेंट हम लोग पहला फिगर ये बनाएंगे, दूसरा ये बनाएंगे और तीसरा ये बनाएंगे, ठीक है। इसको बना लेने के बाद जो है
हमारा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है और बहुत ही आप सफाई से बनाएंगे और इसका लेवल जो होगा तीनों डायग्राम का बराबर होगा और ये वाली डायग्राम जो होगी वो हमारे इसके आगे हम लोग बनाएंगे जिसके ये सीध में बिल्कुल क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में सॉल्व करें तो वो बराबर दिखे एक दूसरे के, ठीक है।